हेलो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे आने वाली है और झटपट ये रेसिपी को आप अपने घरों में बनाकर तैयार कर लें। इसे बनाने के लिए एक कप चने दाल को लें और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से रगड़कर धो लें। यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी जब आप अपने घरों में बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगली बार से आप बाहर से मिठाई ना खरीद कर इसे घर में बनाना ही पसंद करेंगे। इस तरह से धो ले। अब एक पेन या कढ़ाई को ले और इसमें 1 लीटर दूध ले। मैं यहाँ 1/2 kg चने दाल को ली थी, इसलिए उसके दुगने दूध को ले। इसके बाद इसी दूध में इस धुले हुए चने की दाल को डाल दें और इसे ढक ढक कर चने की दाल को कुक होने तक पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह से उबल ना जाए। बीच बीच में चेक करते रहें आपके दाल कच्चे हैं या पक गए हैं। चने के दाल के ये हलवे आप बिना दूध के भी बना सकते हैं, लेकिन इस दूध में उबले हुए चने दाल को बनाने से इसके हलवे का स्वाद दुगना हो जाता है। लगभग 20 से 25 मिनट तक उबलने के बाद ये चने की दाल अच्छी तरह से कुक हो जाती है। आप इसे एक बार चेक भी कर देख ले और दूध भी लगभग सूख जाती है। अब इसे एक मिक्सी जार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसके पेस्ट को तैयार कर ले। इस पेस्ट को ग्राइंड करते समय आप दूध या पानी का यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये सारे पेस्ट तैयार हो गए हैं। अब एक पैन में 1 कप देसी शुद्ध गाय का घी लें और इसे अच्छी तरह से पकाएं। इसमें 3 से 4 छोटी हरी इलायची और 1 इंच के करीब दालचीनी को डालें। इसके पकने के बाद इसमें पेस्ट किए हुए चने के दाल को डालें और गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर इसे तब तक भूने जब तक ये तलवे में चिपकना बंद ना हो जाए या फिर हल्का सुनहरा होने तक इसे भूनते रहना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हल्का सुनहरा रंग के होने पर इसमें चने के दाल के बराबर चीनी को डालें और 1 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर को डालने से ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं जब तक चीनी पूरी तरह से पिघल ना जाए। इस तरह से मिलाने के बाद अब गैस को बंद कर दें और एक प्लेट में थोड़ी मात्रा में घी को लेकर इसे चारों तरफ से ग्रीस कर दें। अब इसमें चने के हलवे को डालें और चारों तरफ बराबर कर फैला दें। इस तरह से फैलाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसके ऊपर आप मीठे सौंफ या फिर किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स को डालकर इस तरह से प्रेस कर दें। अब एक चाकू की मदद से इसे अपने मनचाहे आकार में काट लें। यहाँ मैं डायमंड कट लगा रही हूँ। इस तरह से ये चने दाल के हलवे बर्फी के आकार में बनकर
तैयार हो जाते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये बर्फ़ी के आकार के डायमंड वाले चने दाल के हलवे बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को आप अपने घरों में कब बना रहे हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।